कांग्रेस की जनाधार पूरे देश में खिसक गई है और उसका प्रभाव आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई दिखाई देने लगी है। इससे कांग्रेस के लोग विचलित हो गए हैं और विचलित होने के बाद में अब 7 से 18 वर्ष के बच्चे को पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, विचारधारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सदस्यता दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है हमारा पूरा इंडिया में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और वो सब वीकन हो रहा है, इसलिए हम सोचा क्यों, व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारा स्थान तो 75 का, अभी तो 75 आ गया वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में, पहले इट वॉज अराउंड 50, नाउ इट इज नाउ 75 का। दैट मीन्स डेमोक्रेसी इन इंडिया इज नाउ गेटिंग डिस्टर्ब, और यू नो आवर हिस्ट्री इज गेटिंग डिस्टर्ब, मेनी हिस्ट्रीज आर नॉट यू नो स्ट्रेट, दे आर डिफरेंट, ट्राइंग टू चेंज, मेनी पीपल मीन गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज। इसलिए हम सोचा क्यों हम सच बताएं, बिकॉज यू नो यू ओनली नो व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री, यू ओनली नो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ अवर कंट्री। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू टेल दैट फॉल्स थिंग्स स्प्रेड कर रहे हैं, हेट स्प्रेड कर रहे हैं, लाइक दैट फॉल्स ऑल्सो दे आर स्प्रेडिंग। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू टेल देम फॉल्स, बट वी आर टेलिंग देम द ट्रूथ। सच क्या है, हिस्ट्री साइंस हिस्ट्री क्या है, हम बापू जी के बारे में बता रहे हैं, उसके आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, हम नेहरू जी के बारे में बता रहे हैं, उसके आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टेलिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू टेल, वी आर नॉट गोइंग टू टेल एनीथिंग फॉल्स और समथिंग यू नो समथिंग बोगस, वी आर टेलिंग द ट्रूथ टू चिल्ड्रन एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी, देयर लीडरशिप एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, दैट इज वॉट वी आर फोकस्ड। They come because they are the future leaders. They can also come. That is not a bad thing. Yeah, we will be having a JPM person. Nama, hum to state coordination committee ka chairman ho, national adhikari. But to, the real organization is with the children. Actually, JPM ka national person hoga. Wo to bachha hoga. State person hoga. District person hoga. Kabhi aaye. It's not about Hinduism. Hindutva kya hai? इट्स नॉट हिंदू राज की कल्पना की जाए ना, हिंदू राज की कल्पना के बारे में नहीं है हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टेलिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, आई एम अ इंडियन, यू आर एन इंडियन, आई एम एन हिंदू, यू आर ऑल्सो समटाइम मे बी हिंदू, बट दैट डजंट मैटर बिकॉज वी ऑल बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फोकसिंग ऑन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओनली सेक्युलरिज्म, हमारा राष्ट्र हिंदुत्व राष्ट्र नहीं है, अभी तो ये सेक्युलर है, इन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेलिंग वी आर इन अ सेक्युलर स्टेट, there's no country, right? And like that, democracy is also here. Still, abhi to hai, right? And we are also focusing on sex. So like that, we are focusing in Jorbal Major. So we are not trying to spread hatred, but we are trying to spread love. कांग्रेस की जनाधार पूरे देश में खिसक गई है और उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई दिखाई देने लगी है। इससे कांग्रेस के लोग विचलित हो गए हैं और विचलित होने के बाद में अब 7 से 18 वर्ष के बच्चे को पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं, विचारधारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के सदस्यता दिलाने की बात कर रहे हैं। वास्तविक में ये जो उम्र है कि 7 से 18 बच्चों के शिक्षा के प्रति मजबूत करना और आने वाले हायर एजुकेशन की तैयारी कराना, ऐसे समय में उनको राजनीति में ढकेलना, ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ है। कांग्रेस के लगातार सरकार रहने के बाद भी आखिर वो सफल क्यों नहीं हुए, उसका कारण है कि एक परिवार के ऊपर उनका निर्भर रहना और वो एक परिवार की निर्भरता के कारण में लोग भी उससे उब गए और उबने के कारण में उस विचारधारा को लोग छोड़ दिए। आज जब कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में जिस प्रकार से बनी हुई है, तब कांग्रेस के लोगों की चिंता सताने लगी है कि इस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। राजनीति सब करते हैं, पाठ पढ़ानी चाहिए, लेकिन जब वयस्क हो जाए और अपनी राजनीति की भागीदारी बनाए, लेकिन जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ है और जो पढ़ने का समय है उसको राजनीति में घसीटना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। केवल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, इसके बजाय इनको वयस्क लोगों को पाठ पढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा है।